तो गाइज इसे 3 o'clock और हम लोग अभी 3:30 बज गए। अभी हम लोग निकल रहे हैं। मैं अपना मोबाइल भूल गया था। अर्पिता और ब्रद नीचे चले गए हैं। चलो 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 चलो। भी आते हैं हीरा पन्ना बंद ही रहता है। मतलब संडे को ही हम आते हैं और संडे मार्केट बंद रहता है। अजीब है ना, लेकिन संडे मार्केट बंद नहीं होना चाहिए ना। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए एग्जीबिशन सेंटर में। ये देखो एग्जीबिशन कहाँ है। थैंक यू मनु दादा। आपसे तो अभी हम लोग आ गए। देखो ये पेंटिंग, ये वाला इतना बड़ा है अर्पिता का हाइट से लेकर ऊपर तक। सीधा मटेरियल अपना ये पेंटिंग। हाँ उनको तो कुछ तो किया है। यहाँ पे देखो पूरा मटेरियल छे अने ए बाहर लटकायो छे। कोई कोई यूज करवी जाने ए बाहर मानो पापा ने टेम्पल जे मैंने तो पेलो ड्रो करे पॉप। यस ब्यूटीफुल। तो गाइस अभी मैं गैलरी में हूँ और पेंटिंग देखो कितना बड़ा बड़ा है। यहाँ से ह्यूज पेंटिंग है। बट इसका मैंने मुझे ऐसा था कि ये कलर में बना हुआ है, लेकिन ये कलर में नहीं है। इसको है ना प्रॉपर जो हम लोग स्टिच करते हैं ना वैसे उन्होंने किया हुआ है। तो वैसा वैसा बना हुआ है। अभी अंकल आए। हाँ एंड यहाँ पे लिखा हुआ देखो आंटी का ये रहा जूट एंड लिनन थ्रेड विथ कॉटन कॉर्डिंग एंड नॉटिंग टेक्निक। अच्छा कुछ तो टेक्निक है जो पेंटिंग को उन्होंने ये किया है। ये देखो दूसरा पेंटिंग कितना बड़ा है। अभी ग्रंथ जाएगा तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा है। जाओ ग्रंथ। ये देखो ये देखो ये बाहर जो लगा हुआ है ना इन पोस्टर पे लगा था ये पेंटिंग का। ये यूज किया ना। ये मटेरियल्स लगता है पेंटिंग में यूज हुआ है। हाँ तो ये मटेरियल्स अब यूज किया है पेंटिंग में। तो अभी ये पेंटिंग है, ये रियल पेंटिंग है कलर वाला। तो ये सब उनके पेंटिंग है। हाँ अच्छा पेंटिंग कैसे बनाया हुआ है वहाँ पे डिस्प्ले। आई गया आई गया आई गया आई गया आई गया आई गया। पकड़ो 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 पकड़ो। अर्पिता अर्पिता फैशन शो। ये फैशन शो हुआ था। एक तो ग्रैमो देख पेंटिंग तो पेंटिंग पेरिस में था।
પેરિસ નો ફેશન શો છે ના મને લાગ્યું હોય એમાં નહીં નહીં પેરિસ देखो इसमें दिखाया है कैसे पेंटिंग को इन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके फैशन शो के लिए रेडी किया था और ये पेरिस में हुआ था पेरिस के लिए। ओ यहाँ पे और भी है हाँ सब बड़े बड़े पेंटिंग। अभी मनु बाबा भी आए हम लोग मिले वापस मिलेंगे। ये देखो बट ये क्या है ना कि ये ना एक आर्ट के रिलेटेड है, ये जिसको पसंद आएगा उसको आएगा, ये उसके ये अलग सब्जेक्ट है, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है ये पूरा। ये लोग बोलेंगे कि क्या बनाया ये, ऐसा कोई तो सोचेगा ना ऐसा कि है क्या क्या बनाया। चलो चलो बाय 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 थैंक यू। भाई क्या पेंटिंग थे, बहुत अच्छा पेंटिंग। नर्वस हो गई डैडी, मुझे लगा कि पापा रोएंगे, क्योंकि पापा की बहुत तारीफ कर रहे थे। नहीं नहीं चलो अभी घर मिलते हैं सीधा, फिर बाद में बताते क्या है ना। ओके ये जाएगा क्रिकेट, इसको क्रिकेट का बहुत घाई है इसीलिए। बट ऐसे ही पेंटिंग में अपने घर में नए घर में करने वाला हूँ, ये तो डिसाइड है। तो गाइस घर पहुंच गए हम लोग। एक्चुअली हम लोगों ने स्लो ट्रेन ले लिया था महालक्ष्मी से लेके भाईंदर तक। तो ग्रंथ एक तो वैसे भी पैनिक हो रहा था क्योंकि उसका क्रिकेट 7 बजे था और हम लोगों ने 6:30 का ट्रेन पकड़ा था, तो 1 घंटा उसको लग गया था, तो वो भी पैनिक हो रहा था। तो एनीवेज थक गए हम लोग आके और मैं लेट गया था। तो यार एग्जीबिशन तो ऐसा माइंड ब्लोइंग था ना, मतलब वो कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग ही था। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि पेंटिंग को उन लोगों ने ऐसे कन्वर्ट कर दिया है, तो वो बहुत ही सुपर्ब था। और वो पेरिस में उन लोगों का फैशन शो के पीछे ना पूरा बैकड्रॉप में वो पूरा लगाया था, और एक पूरा वो आइडिया इसीलिए था कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। उसके पीछे 300 लोग ना
300 लोगों ने काम किया है और पूरा स्टिचिंग किए के थ्रेड वेड सब प्रॉपर वो रियल पेंटिंग को उन्होंने वैसे कन्वर्ट किया, बड़ा बड़ा पेंटिंग। तो वो पेरिस से फिर एग्जीबिशन होने के बाद, फैशन शो ख़त्म होने के बाद, फिर उन लोगों ने ट्रांसपोर्ट करवाया इंडिया और ये यहाँ पे लगा हुआ था, जो हमें देखने का मौका मिल गया। साथ में बहुत टाइम के बाद मनु पापा को भी मिल लिया हम लोगों ने, तो बहुत ही सुपर था। तो एनीवेज आज का ये ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। बाय बाय बाय।